बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऑमलेट वाले बर्गर्स बनाना सिखा रही हूँ। नॉर्मल जो ऑमलेट आप बनाते हैं उसी को मैं बर्गर में असेंबल करूँगी। ये मेरे पास ब्रोशे बने हैं, इसके अंदर हम लगाएंगे। तो ये काम का क्विक स्नैक है, तो इसकी रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर एक प्याज ले रही हूँ, मैंने बारीक चॉप की हुई है। एक हरी मिर्च बारीक काटी हुई है। टमाटर मैंने चेरी टमाटर लिए थे छोटे वाले साइज़ के, 3-4, वो बारीक काटे हुए। और इसके अंदर जाएगा आधा टीस्पून ज़ीरा नमक। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दीजिएगा। मैं आधा टीस्पून डाल रही हूँ, थोड़ा सा कम ही कर लेते हैं इससे। और बाकी जो है मैं एग्ज ऐड करने लगी हूँ इसके अंदर। तो आप जितने भी ऑमलेट बना रहे हो, जितने ऑमलेट के बना रहे हो तो उतने ही आप एग्स डालिएगा। मैं तकरीबन एक प्याज है तो तकरीबन 4 एग्स जो है मैं डालूंगी इसके अंदर। आप इसके अंदर ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो सब्ज़ी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और स्प्रिंग अनियन भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैं यहाँ पर कुटी हुई मिर्चें भी ऐड करने लगी हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी। और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। इसमें आप वेरिएशन जो है अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर आप इसमें पेपर ऐड करना चाहें, स्प्रिंग अनियन ऐड करना चाहें, चीज़ जो मोजरेला चीज़ होता है या चेडर जो भी, ठीक है। मैंने इसमें फिलहाल यही चीज़ें डाली हैं। और आप इस साइड पर आ जाएं, ये देखिए मैंने एक फ्राई पैन लिया, इसके अंदर थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और 1 टेबल स्पून मक्खन। अब आपने ये जो बैटर है थोड़ा थोड़ा डालना है, जितना भी आप ऑमलेट बना रहे हैं। लाइक अगर आप चाहें तो आप इसको 2 में डिवाइड कर लें, या अगर आप चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं। मैं इसको 2 में डिवाइड कर रही हूँ, आधा बैटर डालूंगी और फिर उसके बाद दोबारा बनाऊंगी आधे बैटर का, ठीक है। तो इसको कुक करें आप अच्छे तरीके से। ये तो फटाफट बन जाता है, बहुत जल्दी क्विक स्नैक है। आपके पास जो भी बर्गर बंस हो घर में अवेलेबल, आप वो बना सकते हैं। आपके पास ब्रेड है तो आप वो टोस्ट करके उसमें भी लगा सकते हैं। इसको मैं अच्छे तरीके से कुक कर लूँ, उसको फ्लिप करूँगी दोनों साइड से पका के, फिर मैं आपको कुक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मेरा गोल्डन फ्राई कर लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से गोल्डन करिएगा। अगर ब्रेकअप हो रहा है तो कोई इसका ब्रेक पार्ट्स हो रहे हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपने वैसे भी इसके अंदर ही लगाना है तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। अब आप इसी फ्राई पैन को हल्का सा साफ कर लें, 5 लो कर देती हूँ। अब आपने ये जो बर्गर बंस हैं अपने, ये ब्रोशे वाले मैंने लिए हैं, आपने इसको हल्का सा जो है बटर के साथ लगाना है इसको, बहुत ही हल्का हल्का सा बस लगा लें, क्योंकि हमने इन्हीं बर्गर्स को जो है सेकना है फ्राई पैन पे। तो हमने क्या करा है, इसको लिया और अपने फ्राई पैन पे जिस साइड पे बटर है इस साइड पे ऐसे रख के हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से सेक जाएंगे। तो इन पे एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और टेस्ट में भी बहुत मज़ा आता है। 1 से 2 मिनट मैंने बिल्कुल लो आँच रखी हुई है, ठीक है। इसको हम बोथ साइड से सेकेंगे और फिर दूसरे वाले को भी हम करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से हल्का सा टोस्ट कर लिया, इसका दूसरा पार्ट भी मैं टोस्ट कर रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ असेंबल करते। तो यहाँ पर आप देखिए ये मैंने कर लिया है। अब आपने क्या करना है, बस दोबारा से हल्का सा थोड़ा सा बटर ले लीजिए और सिर्फ इसके ऊपर लगा लें बिल्कुल लाइटली सा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको टोस्ट तो किया हुआ है। और फिर आपने ये जो ऑमलेट बनाया है अपना, आप असेंबल करें। जितने पीसेस आपको चाहिए, जितना थिक आपने करना है, कम्प्लीटली आपके ऊपर है, ठीक है। आप लगा लीजिए, तो जेनरस अमाउंट मैंने इस पर लगा दी है। और ये जो है आपका ऑमलेट तैयार हो गया है, ऑमलेट वाला बर्गर बहुत ही मज़ेदार का बनता है। आप इसके साथ चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चटनी के साथ आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। जैसे हम बाज़ार में जाते हैं और हमारा दिल चाह रहा होता है कुछ भी चटपटा बंद कबाब टाइप का खाने के लिए, तो हम ये वाला खा सकते हैं जिस तरह घर में बना के। इसके साथ आप ग्रीन चटनी बनाइए जो पुदीने हरा धनिया वाली होती है, या फिर आप इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इमली की चटनी जो है मैंने अपनी वीडियो उसकी बनाकर अपलोड की हुई है, तो आप वो लाजमी देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चटनी है। और सॉसेज वगैरह के साथ भी खाइए तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।